भाजपा व कांग्रेस के कई सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं करने से धीरे धीरे आमेर और विद्याधर नगर विधानसभा की सीटें हॉट बनती जा रही है, जबकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में मात्र कुछ दिन का ही समय रह गया है। ऐसे में जिन सीटों पर अभी तक इन राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, वहां दावेदार व उनके समर्थकों में बेचैनी तो है ही, साथ ही अटकलों का बाजार भी गर्म है। इसी दरमियान आमेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सहदेव शर्मा ने शनिवार को शांतिपूर्वक अपने समर्थकों के साथ जाकर आमेर SDM कार्यालय में नामांकन पेश किया। आपको बता दें कि अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होने से दिन भर थड़ी चौराहों पर टिकट को लेकर लोगों में बहस होती दिखी है। जयपुर ग्रामीण की जमवर, रामगढ़ व चाकसू ये ऐसी सीटें हैं जिन पर वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से उतरे प्रत्याशी ही चुनाव जीत कर आए थे। इसके बाद भी कांग्रेस इन सीटों को प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। हालांकि नामांकन दाखिल में समय कम होने के कारण कांग्रेस उम्मीदवार कभी भी घोषित कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो राजनीतिक अटकलों का बाजार काफी गर्म है। ऐसे में जिन सीटों पर सूची से राजनीतिक पार्टियों ने टिकटों का बंटवारा कर दिया, वहां के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का समय मिल गया, जबकि अभी तक जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए वहां पर चुनाव प्रचार के लिए समय में अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी।